शब्द अरही। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनुष्का शर्मा। सो अगर आप मेरी व्लॉग्स को डेली देखते हो, जब भी मैं पोस्ट करती हूँ मतलब, तो आपको पता होगा कि मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है यमुनानगर से। मतलब एक्चुअली बस प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, बाकी पेपर वेपर सब दे चुकी हूँ। तो अब मुझे किसी अच्छी सी जगह पर शिफ्ट होना था, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पर कि कहाँ शिफ्ट हूँ, दिल्ली, मुंबई या किसी और स्टेट में। तो सबका दिल्ली आया था मोस्टली, तो मैंने सोचा चलो 3 महीने हैं मेरे पास फ्री रहने के लिए, तो मैं दिल्ली में शिफ्ट होती हूँ। तो फाइनली मैंने दिल्ली जाने का डिसाइड किया है। देखते हैं कि क्या क्या होता है, मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ अकेले यहाँ पर कि नहीं। क्योंकि मतलब 5 साल यमुनानगर में रहने के बाद ना, मैं एकदम ऐसे हो गई थी उस जगह से, एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम फ्रेंकली, कि सब चीज़ें मुझे पता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये, यहाँ सस्ता मिलेगा, यहाँ महंगा मिलेगा। बट अब दिल्ली एकदम नई जगह है मेरी जैसी बंदी के लिए, क्योंकि मैं कभी किसी बड़ी सिटी में नहीं रही हूँ। तो बनी रहिए मुझसे जानने के लिए कि कैसे इतने बड़े शहर में एक छोटे से गांव की लड़की मैनेज कर पाती। घर से मैं आनंद विहार ISBT तक बस से आई थी, उसके बाद मैंने कैब कर ली थी और कैब में मैंने क्लिप ले ली। बस में मुझे शर्म आ रही थी, मैंने नहीं ली थी और बहुत पसीना आ रहा था, तो AC में बैठ करके थोड़ा सुकून मिला मुझे। रात को एक फ्रेंड के घर पर सोने के बाद अब सुबह के टाइम हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और भाई इतनी घटिया रात कटी है ना, मतलब ना कूलर ना पंखा कुछ नहीं था। अब फाइनली ये चीज़ हुई है कि जा रहे हैं, सामान शिफ्ट करके आते हैं। चाबी हमारी घर की हमारे हाथों में है, ये रही, और मैं और चंचल साथ में शिफ्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मूव सब कुछ अच्छा हो यार नए घर में, होपफुली। तो आपको आप घर के अंदर शिफ्ट करती हुई मिलूंगी मैं। रात को ना सामान मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे रखा था और वहाँ सामान शिफ्ट करवा रहे हैं, मुझे इन लोगों ने नलायक और रिक्शा के अंदर बैठा दिया और खुद पीछे आ रहे हैं। जल्दी सामान शिफ्ट करवाएंगे यार, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। मैं तो एक तो रास्ता भूल गई थी, पता सुबह भी मैं जूस पीने के लिए आई थी। अरे नहीं, सीधे 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 चलना, यहाँ लेके आना है भैया सामान, चलना सीधे। तो अब हम जा रहे हैं घर पे जहाँ पे फ्रेंड के सामान रखा है, ठीक है। इतना सारा सामान, 4 लड़कियों का सामान है, वो सामान लेकर के आइए इधर घर पे, और फिर उसके बाद सब कुछ शिफ्ट करा जाएगा, सब कुछ मैनेज किया जाएगा। हम पहुंचने वाले हैं गलियों से निकल करके। बस जय भोले की बम निकल गया। हालत देखो भाई, पसीने में क्या हो गई है। और ये भैया धीरे धीरे चलाना, रिक्शे में ऐसे सामान पड़ा है, बचा बच बचा, गिरने का डर लग रहा है मुझे सब कुछ। सब कुछ गिरने को तैयार हो रहा है। एक बैचलर को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, अपने घर से अगर किसी सिटी में शिफ्ट करना होता है तो। ओवरऑल ये सामान है, बाहर क्या हालत हो रही है। उसका तेरे पैर चद्दर पे मत रख दिए, क्योंकि अगर एक भी छप गया ना तो ये सारी सफ़े जो भी है ना, सारी सफ़े ऐसी काली पड़ जाएगी।
कछुए की तरह चल चल के मैंने फटाफट से चादर बिछा दी, उस पर तकिए रख दिए और आराम से अपना रूम सेट कर दिया। उसके बाद मैं नहा धो करके गई थी खाने पीने के लिए इंतज़ाम करने। तो अब मैंने और चंचल ने की मर्ती ली है यार, सिटी लाइफ बहुत हेक्टिक है। मतलब मैं पहली बार इतनी बड़ी एक सिटी में हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, वो भी अकेले। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सब कुछ। अभी तो पहला दिन है तब यह हालत है मेरी। मैं सोच रही हूँ आगे के 3 महीने कैसे कटेंगे दिल्ली में। यहाँ मेरी हालत ऐसी हो रही है, मुंह से हंसी आ रही है और आंखों से आंसू भाई, और रो भी नहीं सकती। याद आ रही है घर की, इस टाइम में तो लग रहा है भाई साहब, मतलब मैं रहती नहीं घर में, बट स्टिल मुझे अब लग रहा है यमुनानगर का मुझे फिर भी काफी चप्पा चप्पा पता चल चुका था 5 सालों में पिछले, तो बहुत फैमिलियर हो गई थी मैं उस जगह से। यहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैनेज करना पता नहीं एक पहाड़ को चढ़ने जितना भरा हो जाएगा। और ये देखो मैंने पहाड़ पे कदम रखना शुरू कर दिया पानी का इंतजाम करते हुए। यहाँ से ये 20 लीटर का पानी का टैंकर उठाना भाई भारी पड़ गया था। पानी ले आई बच्चे ने मेरा तली हो जाएगा माता जी। अगर तुम ऊपर आ गई मैं तो जिम करने की सोच रही थी, मेरा जिम तो यही हो गया भाई। अंदर कमरे में रखा पूरे दिन बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया था, तो कुछ प्रोटीन रेस्ट चाहिए था, तो हमने पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी मतलब जो लेके आए थे, और साथ में रोटियां बना ली और दूध बना रही थी मैं यहाँ पे। ये देख गैस जलाई खुली पड़ी क्या? डर लग बनी गई है, कितनी बना ली मैंने साथ ही साफ कर दिया था ना पानी में हाथ मारा था। हाँ ये सब साफ किया है जब भी, तो ठीक है 4 हो गई है, 5 भी है, पनीर सब्जी करेंगे कटोरी है देख, और चम्मच भी नहीं है ना मेरे पास का, मेरे नाखूनों पे आज सारे के सारे कलर आ जाएगा भाई, मर भी गर्मी होगी मेरी लौट। दिल्ली में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, 46 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो एसी लगवाना तो बनता ही था। तो 6,000 का मुझे रेंट पड़ा और 2,000 सिक्योरिटी, तो मेरा विंडो एसी लग गया मेरे कमरे के अंदर। पूरा दिन कुछ नहीं खाया था धूप के चक्कर में, फिर शाम को एसी लग गई थी तो मैंने सोचा चलो अब भेलपूरी बनाती हूँ, तो कटोरा भर के भेलपूरी और साथ में कॉफ़ी बनाई अपनी, और उसके बाद मैंने वो खाई, तब जाके मेरा पेट बढ़ा भाई, संतुष्टि मिली पेट को। तो चलो सबसे पहले आपको घर दिखाती हूँ। तो ये किचन है जो कि काफ़ी गंदी कर रखी है पानी की तंगी की वजह से। अभी ये टोटल हम 4 लड़कियां हैं, तो 2 जो बाकी की हैं चंचल और मेरे से अलग, तो उनका रूम है, और हमें ना 5वीं लड़की की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो अगर कोई लड़की अवेलेबल है तो आ जाइए। चप्पल पड़ी है यहाँ पे बाथरूम के अंदर, और ये सिंक है, हमें भी दिखाओ, लो आ जाओ, ये हम है, ये हम और ये यहाँ पे ऐसे स्टैचूज लगे हुए हैं, और ये मेरा रूम है जो कि सेट किया है। ये यहाँ पे बैग रखा हुआ है, ये मेरे फेस वॉश वगैरह के सामान है, ये कपड़े टांग रखे हैं, और ये चुज्जी देखो यहाँ, और ये बैग है। मैं दिखाई देती हूँ यार, मेरा रूम लगना चाहिए, ये रूम वाली है। अब और चीज़ें दिखाते हैं, और बालकनी है, बाहर का व्यू इतना सही है बताए यहाँ से, और ये थोड़ा कचरा रखा हुआ है इधर की बालकनी, मतलब यहाँ बैठने के लिए कर रखा है,
यहाँ लाइटिंग वगैरह का भी काफ़ी अच्छा है। ये मेरी कबर्ड है और चंचल की कबर्ड है, ऊपर से हम सामान रख स्टोर कर सकते हो। ये हमने मंदिर जी बनाए हुए हैं, ये थोड़ी चद्दर वद्दर रख दिया, टेबल टूटी हुई थी तो इसके ऊपर। ये मटका मुझे यहीं पे मिला, पड़ा हुआ है, साफ करूंगी। और ये सेपरेट बाथरूम है, एक रूम खाली है जो कि थोड़ा गंदा हो रखा है, वॉशरूम नहीं दिखाती तो ये रूम जो कि देखते तो पंखा लग रहा है बस इसमें, बाकी ये प्रॉपर रूम मिलेगा जो भी लड़की आएगी। और ये यहाँ से वेंटिलेशन के लिए है, विंडो टाइप में कुछ, तो अगर किसी को आना है तो 5,000 रुपये में अवेलेबल है भाई, यहाँ आ जाओ। 5,000 रुपये रेंट है और 5,000 सिक्योरिटी का। ये हमारा बाथरूम है, वो तो मैं दिखाई चुकी हूँ आप लोगों को। और फिर ये तो है ही मेरा रूम, ठीक है। और ये मैंने AC लगवाया है, 16 पे चल रहा है, मजा आ रहा है, जिंदगी का मजा आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फाइनली सब कुछ सेटअप हो गया। बहुत रोई मैं, बहुत रो धो करके सारा काम निपटा के अब सुकून है जिंदगी में। बस पानी की टंकी का रोला पड़ा हुआ है यहाँ पे, पानी का और हो जाए तो फिर सारी चीज़ें सेट है। सो दैट्स इट, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में स्ट्रगल कैसे करते हैं और कितना कुछ झेलना पड़ता है वो सब कुछ जानने के लिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।